दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो यहां पे गिरावट लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बीच में दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक तो यहां पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या है वो रिकॉर्ड, उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या उसने अचीवमेंट किया है। और दूसरी तरफ यहां पे अदानी ग्रुप को लेकर इसराइल से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल रही है। इसराइल की तरफ से अदानी ग्रुप को पूरा सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे इन सारी खबरों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अदानी ग्रुप में गिरावट कम थमेगी। एक तरफ तो देखें तो बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी अभी लोगों को पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आगे मामला क्या होगा, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन पूरा मामला है। और ऐसे में अब जैसे कि समय बीतता जा रहा है, लगभग 2 महीने का समय दिया गया था सेबी को, और अब आप समझ सकते हो कि वो समय पूरा होने को है। 8 से 10 दिन के अंदर सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी 6 सदस्यों की उस कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। तो ऐसे में आने वाले समय जल्दी ही हमारे सामने फैसला भी होगा, और इसीलिए लोगों का टेंशन भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ऐसे में कोई लॉन्ग पोजिशन बनाना नहीं चाहते। तो इन सारी बातों को समझेंगे, और कौन से शेयर थे जिन्होंने आज कुछ अच्छा किया है और कौन से शेयर में ज़्यादा भारी गिरावट, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की आज बात करें तो बाज़ार में भी नरमी थी, और आज अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी विलमार और अदानी एंटरप्राइजेज दो शेयरों को छोड़कर सब में गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में गिरावट जारी है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बन गया। और जैसे एफआई की बिकवाली शुरू हुई है बाजार में नरमी छा गई है, और आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट अदानी ग्रुप के शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। अब आज के अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो NDTV जिस कंपनी का अधिग्रहण अभी रिसेंटली किया, हिंडबर्ग की रिपोर्ट आने के कुछ समय पहले ही इन्होंने प्रणव राय से ये कंपनी खरीदी है, और आप देख सकते हो कि इसमें आज गिरावट थी। 183.80 के आसपास शेयर था, 1.68% की गिरावट देखने को मिली। तो अदानी ग्रुप की तेजी में इस स्टॉक को तो कोई सहयोग मिला नहीं था, क्योंकि ये बहुत बाद में अदानी ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन गिरावट उसके बराबर ही हो रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1853 के स्तर पे 0.15% की तेजी थी। तो ये स्टॉक थोड़ा सा आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 935 के स्तर पे 1.73% की गिरावट हुई है, लेकिन अदानी ग्रीन के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है, लेकिन ये गुड न्यूज बहुत लेट आई बाजार क्लोज होने के लिए बाद में, और इस वजह से इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला और गिरावट काफ़ी बढ़ी रही यहाँ पे। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 656 के स्तर पे देख सकते हो 0.23% की यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें अदानी पावर की तो 187 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.45% की, यानी लगभग 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि 1016 के स्तर पर क्लोजिंग थी, और 1.56% की, यानी लगभग 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। अदानी विलमा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 408 पर स्टॉक है, 1.21% की तेजी देखने को मिली। तो यह दूसरा स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस के बाद जिसने अच्छी क्लोजिंग दी और काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। अब अदानी विलमार लिमिटेड की बात करें तो ये जो रिजल्ट था इसका Q3 बहुत ही बेहतर था पिछले कई दिनों के बाद, और लग रहा है कि Q4 भी बेहतर रह सकता है, और इस वजह से भी माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 930 के स्तर पर यहाँ पर क्लोजिंग थी, 1.78% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास की गिरावट है अदानी टोटल गैस में। अब ACC सीमेंट की बात करें तो 1744 के स्तर पे 0.84% की गिरावट थी। अंबुजा सीमेंट की बात अगर हम करें तो 379 के स्तर के आसपास क्लोजिंग है, 0.78% की यहाँ पर भी गिरावट है। और आपको पता ही होगा ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट भी अभी रिसेंटली पिछले साल ही ऐड हुए अदानी ग्रुप के इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि इनका अधिग्रहण किया गया ऑलसम कंपनी के पास से अदानी ग्रुप ने, और इनमें उतनी तेजी नहीं बनी जितनी अदानी ग्रुप के शेयर में बनी, लेकिन गिरावट में इनका भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट किया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिसीव ए रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंजर्विंग वाटर अगेंस्ट कंजम्पशन, यानी जितना इन्होंने पानी का इस्तेमाल किया उससे ज़्यादा पानी का संरक्षण किया है, और इसीलिए इनको सर्टिफाइड किया गया है। आप देख सकते हो पॉजिटिव DNV इंडिपेंडेंट ग्लोबल इंश्योरेंस एजेंसी की तरफ से इनको सर्टिफाइड किया गया है। और आप देख सकते हो कि इसमें कहा गया है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने बिजनेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया, लेकिन पानी का संरक्षण बहुत ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो DNV जो एक आप देख सकते हो वाटर इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पे उसको एक असेसमेंट करते हैं, और उस कितना इस्तेमाल कंपनियाँ करती हैं उसमें देख सकते हो कि 200 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो आप देख सकते हो कि दूसरी जो तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश की जो इस ऑपरेशनल कैपेसिटी से काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया है अदानी ग्रुप ने, और इसीलिए इनको एक तरह से एक बड़ा अवार्ड दिया गया है।
यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 99.5% लोअर फ्रेश वाटर का कंजम्पशन किया है पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 3.5 किलोवाट की। तो यहाँ पे देखते हो अदानी ग्रीन एनर्जी जो है इनका एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेटफॉर्म है और इसमें अदानी ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिए तो बिजली का जो निर्माण होता है उसमें, तो यहाँ पे जो सारी बातों का लबो लुआब यह है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में कम से कम पानी का फ्रेश वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से देखें तो पानी को किस तरह से संरक्षण करना है वो कोई अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से सीख सकता है। तो इसके लिए इनको एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से सर्टिफाइड किया गया है इनकी कंपनी को, तो ये एक तरह से माइलस्टोन अचीवमेंट है अदानी ग्रुप की। और अदानी ग्रुप इस मामले में सबसे आगे क्योंकि लगातार उनकी कंपनी, इससे पहले तो मुंबई की जो इनकी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई है वो पूरे हिंदुस्तान की जितने डिस्कॉम में सबसे आगे निकल गए नंबर वन अपने कस्टमर को सर्विस देने में। तो अदानी ग्रुप का बिजनेस मॉडल अब सबके सामने आने लगा है कि अदानी ग्रुप सिर्फ यहाँ पे हवाई तरीके से अपने प्राइजों को नहीं बढ़ा रहे बल्कि उनकी प्राइज इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उनका कारोबार सबसे शानदार है, उनकी कंपनियाँ सबसे हटके काम कर रही है। आपने देखा होगा अदानी पोर्ट्स का जो कार्गो वॉल्यूम है वो सबसे रिकॉर्ड हाई पहुंच चुका है इस समय और अब आप देख सकते हो उनका जो धामरा का जो टर्मिनल है वहां से अब गैस का जो सप्लाई होना शुरू होगा पूरे इंडिया में, जिसके माध्यम से लोगों के घर में चूल्हे जलेंगे, उनके घर में अब देखो कुकिंग गैस जाएगी। तो ये सारी जो बातें अदानी ग्रुप को साबित करती है कि अदानी ग्रुप बहुत मजबूत है और उनका बिजनेस जमीनी हकीकत पर तेजी से बढ़ रहा है और ये काफी बड़ी गुड न्यूज है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, इसराइल की तरफ से भी अदानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट दी गई है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के नीर बरकत जो इंडिया में आए हुए उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया के जितने बिजनेसमैन हैं और जो व्यापारी हैं उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी इसराइल और भारत की जो दोस्ती है और मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने पिछले दिनों देखे तो करीब $1.2 बिलियन का निवेश करके इसराइल का हाइफा पोर्ट्स इन्होंने अधिग्रहण किया है और आप देख सकते हो कि इसके बाद में ये देखते हो ये US शॉर्ट सेलर की जो रिपोर्ट निकाली हिंडनबर्ग की, उसके बाद में यहाँ पे जो अब लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हमें गर्व है कि हमने अदानी ग्रुप के साथ में बिजनेस टाइप किए हैं, उनके साथ में अभी हमारा और वेलकम है, अगर वो और भी हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहे तो हम उनको पूरी तरह से हमारी रेड कारपेट बिछाई हुई है, यानी एक तरह से देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए पूरे दरवाजे खुले हुए इसराइल के। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के दूसरे अगर बिजनेसमैन भी इसराइल में अगर बिजनेस करना चाहे तो हम उनके लिए वेलकम कर रहे हैं और हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है, दोनों को ही फायदा होगा और बिजनेस के माध्यम से। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के ऊपर भले ही छाए कितने इल्जाम लगे लेकिन अभी भी जो विश्व के काफी बड़े देश है जो अदानी के साथ खड़े हैं और अमेरिका के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं और ऐसे में ये सारी जो बातें हैं ये यहाँ पे बिल्कुल खारिज हो जाती है कि हिंडनबर्ग ने जो कहा था कि अदानी ग्रुप ने कुछ बड़े फ्रॉड किए, तो ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से देखें तो छोटी साबित होती है जब बड़े बड़े विश्व के देश है जो इंडिया के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं और स्पेशली वो अदानी ग्रुप के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे उनका एक महत्वपूर्ण पोर्ट उन्होंने दिया और उसके साथ में कहा कि और भी अगर पोर्ट्स होगा तो हम अदानी ग्रुप को देने को तैयार है। तो इससे काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। इससे पिछले दिनों ने देखे तो जो फॉर्मर एम्बेसडर थे इसराइल के इंडिया में रॉन मलिका, उनको वहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया है हाइफा पोर्ट पे और इस फैसले के बाद में देखे तो रॉन मलिका का कहना है कि मुझे बहुत गर्व है कि अदानी ग्रुप ने मुझे इस लायक समझा है। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई जो इशारा करी है कि आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन इस समय बाजार का सिचुएशन देखे तो काफ़ी वीक लग रही है क्योंकि इस समय FI बाज़ार में बिकवाली करे, पिछले कई दिनों से वो खरीदारी कर रहे थे लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ गए और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल डगमगा रहा है। लेकिन जल्दी फिर से जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा अदानी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी का दौर शुरू होगा, इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।